हेलो हेलो दोस्तों, दोस्तों, फार्मिंग लाइन चैनल में आपका फार्मिंग लाइन स्वागत है। चैनल आज में हम बात आपका करेंगे स्वागत धान की है। पनीरी को कैसे आज हम बात करेंगे धान बढ़िया की और तंदुरुस्त पनीरी के बारे में बनाया जाए के पनीरी की और देखभाल उसके कैसे पौधे करें और बढ़िया बनाए अच्छी जाएं पनीरी कैसे ताकि तैयार हमारी करें फसल बहुत ही बढ़िया निकले। तो दोस्तों, दोस्तों उसके उसके लिए लिए हमें हमें क्या क्या करना करना है है कि कि जिस जगह हमने पनीरी लगानी है जहाँ वहाँ हमने पनीरी लगानी है वहाँ गोबर कम से कम जरूर डालना है। उससे क्या गोबर होता है कि की मात्रा पनीरी को कीटनाशक या वैसे कोई भी नहीं होनी ज़्यादा चाहिए, पेस्टिसाइड्स गोबर की की मात्रा को ज़रूरत नहीं पड़ती, पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत कम होती है और गोबर से हमारा काम बढ़िया हो जाता है। दोस्तों आज ये जो मैं तुम्हें आपको अपनी पनीरी दिखा रहा हूँ, ये अभी 8 दिन की है और ये अपनी पनीरी अभी तकरीबन 13 दिन की हो गई है। दोस्तों इस पनीरी को तैयार करने के लिए हमने क्या किया है, अभी हम इस पर क्या करेंगे जो चूना होता है उसको भिगो देना है, तकरीबन 2 किलो चूने को भिगो कर रख देना है और हर रोज़ 2 से 3 लीटर पानी उसमें से लेकर स्प्रे करनी है, स्प्रे का छिड़काव करना है पंप से। इससे क्या होता है कि पनीरी बढ़िया भी होती है, उसके जो भी घाट होती है वो पूरी हो जाती है। और एक और फ़ायदा होता है कि जैसे अब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और गर्मी में वो अच्छे से काम करता है और पनीरी को लू नहीं लगने देता, और लू वहाँ लगती है दोस्तों जहाँ बाकी हर तरफ वान जो है खेत है वो खाली हों और वाए हुए हों। इसके लिए क्या करना है दोस्तों, हमने ये जो पनीरी है आप देख रहे हैं इसके दो तरफ तो खाल हैं और हमने एक तरफ क्या किया है कि ये बाजरे की खेती कर दी है, थोड़ी सी हरा चारा लगा दिया है और इसमें हम हर रोज़ पानी लगा रहे हैं। इससे क्या होगा कि बाजरा भी तैयार हो जाएगा और बाजरा तैयार होने के साथ साथ हमें इसका फ़ायदा ये होगा कि लू लू से बच जाएगी पनीरी, जो गर्म हवाएं चल रही है उससे बच जाएगी। और अभी हमारे तीन तरफ पनीरी के ये हो गया, दो तरफ खाल है, एक तरफ ये बाजरा लगा दिया और एक तरफ जो बची है वहाँ हम क्या करते हैं कि पनीरी में जो पानी सुबह सुबह भरते हैं उसको निकाल देते हैं। इससे क्या होता है कि पानी जो अगर जमा रहेगा पनीरी में तो पनीरी गर्म पानी से ख़राब हो जाएगी। इसलिए क्या करना है कि जब भी पानी देना है पनीरी को तो उसको निकाल देना है दोस्तों। अगर शाम को पानी दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर वो बीज रहेगा तो कोई बात नहीं, रात को पानी ठंडा रहेगा। अगर सुबह पानी देना है तो वो गर्म हो जाएगा। इन बातों का ध्यान जरूर रखना है दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।